हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक वन सेकंड विद द ब्रांड न्यू वीडियो। सबसे पहले मैं बात करना चाहूँगा कि अगर आप मोबाइल से मोटो व्लॉगिंग के लिए ट्राई कर रहे हो या मोबाइल से मोटो व्लॉग करना चाहते हो तो आपको एक भयंकर प्रॉब्लम का सामना करना पड़ेगा, वो है कि हेलमेट की विंड नॉइज। क्योंकि मोबाइल मोटो व्लॉगिंग के साथ सबसे बड़ा प्रॉब्लम है कि जब आप बाइक को राइड करते हो 30 के ऊपर, विंड नॉइज इतना ज़्यादा हो जाता है कि आपकी खुद की जो वॉइस है वो कभी रिकॉर्ड ही नहीं हो पाएगी। रिकॉर्ड तो हो जाएगी, वो कभी सुनाई नहीं देगी। तो पिछले 5 दिनों से मैं इसी प्रॉब्लम के सोल्यूशन के लिए ट्राई कर रहा था, रोज़ बाइक को राइड करता था, और फाइनली फाइनली यार आज मैंने वो रास्ता ढूंढ निकाला है कि मोबाइल से मोटो व्लॉगिंग करते टाइम कैसे विंड नॉइज को बहुत कम किया जा सकता है और आपकी जो वॉइस है वो क्लियरली सुनाई दे सकती है। तो अभी मैं जो वीडियो फुटेज आपको दिखाने वाला हूँ, अभी से थोड़ी देर पहले मैंने शूट किया, अभी रात के 9 बजे हैं, मैं टेस्टिंग करके ही वापस आया हूँ और आज की मेरी ये लास्ट टेस्टिंग थी। आज लगभग मैंने 3.5-4 घंटे टेस्टिंग करी है, बार बार माइक को रिसेट करके, बार बार हेलमेट की पोजिशनिंग, हेलमेट में जो माइक को रिपोजिशन कर करके। तो चलिए फटाफट से वो फुटेज देखिए उसके बाद, और एक बात और बताना चाहूँगा कि जो ये फुटेज मैं आपको दिखाने वाला हूँ थोड़ी देर पहले की, उसमें किसी भी तरह की वीडियो या ऑडियो एडिटिंग नहीं की गई है, वो एकदम से रॉ फुटेज है। तो फटाफट से ऑडियो वो वीडियो क्लिप देखिए, उसके बाद मैं आपसे मिलता हूँ। सो गाइस, आज का मेरा लास्ट ट्राई है। मैंने माइक सेटअप अच्छे से कर लिया था और मैंने नोटिस किया कि विंड नॉइज और जो एक्सटर्नल नॉइज़ है वो काफ़ी कम है, या बैकग्राउंड नॉइज जो बोल लो वो काफ़ी कम थी। बट अभी मुझे एक्चुअली करना है ऑन रोड टेस्ट हेलमेट का और अपने माइक सेटअप का, अभी मैं इसके लिए निकला हूँ। आई होप कि यार आज ये जो मेरा लास्ट ट्राई है ठीक ठाक सेटअप काम कर जाए, क्योंकि कल मुझे निकलना है ऑफिस के लिए और मैं ट्राई कर रहा हूँ कि अगर माइक सेटअप सब कुछ अच्छे से हो जाता है तो कल मैं शूट करूँगा कोई कंटेंट बनाने के लिए, मैं ट्राई ज़रूर करूँगा। अभी चलते हैं फिर से यार ऑन रोड और टेस्ट करते हैं कि क्या फुटेज निकल के आती है। आज जब आप लोग यकीन नहीं करोगे, आज शायद मैंने 3 घंटे 3-3.5 घंटे मैंने लगा दिए हैं इसी को टेस्ट कर सही करने के लिए। ट्रायल एंड ट्रायल आज का दिन लगभग इसी में गया है मेरा। ट्रायल एंड ट्रायल, टेस्टिंग एंड टेस्टिंग। अब हो जाना चाहिए यार, सच में यार। ऑडियो क्वालिटी तो वैसे मुझे ठीक मिल गई थी, लेकिन मैं चाह रहा हूँ कि मेरा जो थोड़ा वॉइस है ना वो थोड़ा बेसी हो। इससे पहले वाले वीडियो क्लिप में आ रही थी, ऐसा नहीं है, बैकग्राउंड नॉइज़ काफ़ी कम था, बट वो नॉइज़ जो मुझे थोड़ा ना ट्रेबल जो वो ज़्यादा लग रहा था, तो इस वजह से मैं जो है यहाँ से एक बार चलते हैं वापस, थोड़ा यूटर्न लेके इस बार इस वाला रोड कवर करेंगे। और अभी 20-30 वही 40-60 के अराउंड में टेस्ट करूँगा एक बार कि क्या निकल के आता है, क्योंकि अब मैंने मफलर भी नहीं पहना। कब मफलर क्या कि जो वहाँ पे आपके चिन के पास का एरिया ब्लॉक कर देता है एयर को, तो वहाँ से विंड नहीं आती है। लेकिन अभी मैंने नहीं पहना है मफलर, तो विंड नॉइज़ अब ज़्यादा आएगी हेलमेट में, और अभी एक्चुअल मेरे ख्याल से टेस्ट होगा। अगर ऐसा है तो फिर मुझे यहाँ से ब्लॉक करना पड़ेगा कुछ जुगाड़ करके हेलमेट को, क्योंकि सबसे ज़्यादा एयर जो एंट्री करती है आपके चिन, आपके फेस के सामने से चिन एरिया से ही सबसे ज़्यादा एयर एंट्री करती है, यहीं से सबसे ज़्यादा विंड ब्लास्ट आता है। अभी 40 के अराउंड है बाइक, और आई होप आपको मेरी आवाज़ आ रही होगी, क्लियर आ रही होगी। बाकी देखा जाएगा, थोड़ी तो एक्सेप्टेबल वॉइस हो जाए, एक्सेप्टेबल ऑडियो आ जाए तो काफ़ी ठीक है। और आप एक मैं मीटर दिखा देता हूँ आपको, आपको मेरी आवाज़ फिर से मैं बोल रहा हूँ, आपको मेरी नो वॉइस जो है वो अच्छे से सुनाई दे रही होगी। और शायद आज मैं इस डायलॉग को बोल बोल के मैं खुद पक गया हूँ, सच बता रहा हूँ। इतनी टेस्टिंग कर ली मैंने इस अपने नए हेलमेट के सेटअप के साथ, ऑडियो को कहीं कुछ करो, माइक को कहीं रिलोकेट करो, कहीं माइक पर कुछ लगाओ, कहीं माइक पर से कुछ हटाओ, तो बहुत करने के बाद फाइनली जब मैंने छत पे जाकर हेलमेट को टेस्ट किया तो सबसे अच्छी नॉइज़ अब तक की मुझे
जो मिली है वो मुझे आज देखने को मिली। तो गाइस आपने देख लिया होगा कि जो ऑडियो है क्वालिटी, ऑडियो क्वालिटी कितनी बहुत अच्छी है। मोबाइल मोटो व्लॉगिंग के हिसाब से जो ऑडियो वो बहुत शानदार है। अगर आप भी चाहते हो कि मैंने क्या जुगाड़ लगाया है अपने हेलमेट सेटअप में ऑडियो के लिए, बेटर ऑडियो के लिए, तो फटाफट से यार वीडियो को लाइक कर दो, शेयर कर दो, और एक रिक्वेस्ट है यार फटाफट से एटलीस्ट 500 सब्सक्राइबर तक पहुँचा दो, जो मेरे लिए माइलस्टोन होगा। वहाँ पे मैं अपना पूरा का पूरा हेलमेट, मेरे पास कौन सा हेलमेट है और किस तरह से मैंने अपनी ऑडियो सेटअप को सेट किया हुआ है वो मैं आपको रिवील कर दूंगा। सो फ्रेंड मिलते हैं जल्दी एक और नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।